सावरकर जी ने 2011 में और 2013 में माफीनामा लिखा। महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 2015 में आए थे, उसके बाद में वो राजनीति में उतरे थे। 1000 रुपए उनको अलग से देने का निर्णय लिया है और जो विधवाएं हैं जिनके पिता चले गए इसमें, वो विधवा होगी उसको 1500 रुपए, 1000 और 2500 रुपए अलग से पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री के देने का निर्णय लिया। उनका मिला हुआ है ना, देखो आप केंद्रीय मंत्री प्रमोद जैन भाई जी को मिला हूँ, अभी आए हुए हैं आपको, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। उदयलाल जी आंजना आपके यहाँ बताइए, सीपी साहब स्पीकर हैं, क्यों नहीं मिलता? सरकार ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि महिला हमने सिलेक्शन में, हमने प्रमोशन में, हमने सब में उनकी काउंसलिंग करके उनको लगाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो महिला को प्राथमिकता देते हैं। और कई जो सुविधा भोगी लोग हैं, कई जो नेता लोग हैं हमारे विभाग में, उनको अच्छा भी नहीं लगता, नहीं साहब देखो ये तो अन्याय है, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या? लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग का मुखिया होने के नाते, कि आपने आपस में झगड़े भी बहुत, जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वाले न्यायालय, वो प्रिंसिपल कभी शेरोडिन टेबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। तो मैं समझता हूं देखिए ये तो है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो हमेशा ही पुरुष से अपने आप को आप ही किस पाएंगे।